हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज निशा और हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर वन। चैप्टर वन का आधा से ज्यादा कहानी हमने तो समझ ली है, बस अब हमें थोड़ा बहुत देखना और आज तो हम खत्म करके ही रहेंगे। तो कहानी की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से करने की से पहले हमने एक पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता का, जैसे सर्वनाश कैसे हुआ था। तो ये हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा स्थल था और हड़प्पा स्थल में कुछ टीले पाए गए थे, ठीक है, मतलब ईंटें पाई गई थी। और यहाँ पर दो इंजीनियर काम करते थे रेलवे ट्रैक बिछाने का। तो वो कौन थे? तो बार्टन बंधु, जेम्स बर्टन, विलियम बर्टन, दो नाम है। और उन्होंने क्या किया कि रेल लाइन को बिछा दिया बिना ये सोचे समझे यहाँ के टीलों का इस्तेमाल किए कि ये किसी सभ्यता का अंश हो सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि देखिए, हमें पता नहीं होता है कि मान लीजिए जहाँ तक हमें पता है किसी चीज के बारे में, हम वहीं तक सोच सकते हैं, उससे ज्यादा ऊपर तो नहीं सोच सकते। उससे ज्यादा ऊपर सोचने के लिए बहुत सारी खोजों की जरूरत है। तो ये खोज कैसे हो रही थी ये हम देख लेते हैं। चलिए, अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे पहलुओं को एक साथ जोड़ा और बहुत सारी चीजों को देखा है, इतिहास के बहुत अलग अलग भाग को देखे। लेकिन इसके अलावा भी और एक कहानी है, और ये कहानी क्या है कि किस प्रकार जो आर्कोलॉजिस्ट थे, जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने किस प्रकार इस सभ्यता को खोजा। तो जब हम इस खोज की तलाश में चलेंगे, तो जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए, लोग यहाँ से दूर चले गए थे और सब कुछ भूल भी गए थे, और हजारों साल बाद आकर लोग फिर से बसे, जो उत्तर वैदिक काल तक आकर बसे या पूर्व वैदिक काल में बसे, तो उस टाइम क्या हुआ कि लोगों को ये पता ही नहीं था आरंभ में कि ऐसी कोई चीज हो सकती है। इससे पहले भी कोई सभ्यता, कोई शहरीकरण तरीके का चीज हो सकता है, इतनी बड़ी सभ्यता हो सकती है, उन्हें पता नहीं था। उन्होंने बिना सोचे समझे यहाँ पर जो भी अपरिचित चीजें मिली, अपरिचित पूरा वस्तु मिली, तो उनको इससे कोई मतलब नहीं था। हम अपने आसपास में बहुत सारी पुरानी चीजें देखते हैं, अगर हमें इंटरेस्ट भी हो कि ये हमने कब खरीदा था, ये याद नहीं आ रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे इंफॉर्मेशन के बाहर है, मान लीजिए पापा या दादा परदादा की चीजें हैं, तो उसको हम देखेंगे, हम बोलेंगे हाँ पुरानी तो है, लेकिन इतना पता नहीं था कि वहां पर दादा के समय की है, ठीक है। एक छोटा सा लॉजिक देकर समझाने की मैंने कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पर समय समय पर क्या हुआ, तो जुताई हुए, खुदाई हुए, खजाने की तलाश हुई, या फिर यदा कदा हर धरती की सतह पर आने वाले अपरिचित वस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए, यह सोचा नहीं गया उस वक्त, ठीक है। पहला भ्रम कनिंघम को हुआ। कनिंघम जो थे वो पहले थे जिन्होंने इसको इंटरेस्टिंगली देखा, क्योंकि उन्हें पुरानी चीजों को खोजने में बड़ा ही ज्यादा मतलब इंटरेस्ट था, लेकिन पूरी तरह ये खोज नहीं पाए थे और ये उतने इंटरेस्टिंगली नहीं, ये दूसरे फैक्ट्स में जोड़ रहे थे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। जब भारतीय पुरातत्वविद मतलब आर्कोलॉजिस्ट जो थे, अच्छा ASI आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जो थे वो कौन थे? जो जनरल कनिंघम थे। कनिंघम को एक भ्रम हुआ था, वो हम आगे पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए गए। तो 19वीं सदी के शताब्दी के आरंभ में क्या हुआ कि खुदाई स्टार्ट हुई, रिसर्च होना स्टार्ट हुआ कि पुरानी सभ्यता के बारे में जाना जाए कि पहले क्या सी चीजें थी, क्या थी, ये सारी चीजें। तब पुरातात्विदों का अन्वेषण मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग करता था। उस समय क्या होते थे, जो चीनी यात्री आते थे बाहर देश से लोग आते थे, हम लोग अभी भी विदेशी जो लिटरेरी सोर्सेज होती है उसको बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि हम अपनी चीजों को हमेशा ऊंचा करके दिखाते हैं, लेकिन बाहर के लोग जो देखते हैं वो 360 डिग्री में देखते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, उनके फैक्ट को ज्यादा माना जाता है। तो ऐसा ही था कि साहित्य और अभिलेख का इस्तेमाल करते थे, ऐसा नहीं होता था कि लाइक खुदाई उदाई करके पुरातत्व को निकाला जाए, इस तरीके का चीजें उतनी ज्यादा नहीं होती थी। उन लोग रेफरेंस के पॉइंट पे क्या करते थे, तो साहित्य का इस्तेमाल करते थे और अभिलेखों का इस्तेमाल करते थे, जो खुदाई के अभिलेख अर्थात पत्थरों में खुदा हुआ चीज, मंदिरों में खुदा हुआ चीज, और साहित्य अर्थात जो लिटरेरी सोर्सेज हमारी पांडुलिपियां हैं उनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक कि कनिंघम का मुख्य रुचि ये आरंभिक इतिहास में था। जो आरंभिक इतिहास थी, जब हम 6ठी शताब्दी की बात करते हैं, तो उत्तर वैदिक काल से लेकर जो भी ईस्वी पूर्व है, यहाँ पर देखिएगा तो उत्तर वैदिक काल से लेकर 4थी शताब्दी ईस्वी तक की जो जानकारी है, उन पे उनका ज्यादा इंटरेस्ट था कि पहले के लोग कैसे ये सारी चीजें करते थे। क्योंकि जब ये कनिंगम आए थे, तो मान लीजिए जब अंग्रेज आए थे तब के थे, तो इनका इंटरेस्ट ये था, इनको पता था कि कब शुरुआत हुई, तो वैदिक पीरियड से शुरू हुआ, क्योंकि वहां से लिटरेरी सोर्सेज वगैरह भी मिलने लगी थी, ठीक है। तो इस वजह से इन्हें लगा कि यहीं से इतिहास की शुरुआत है। इसके बाद कालों से संबंधित पुरातत्व में भी थी, और इसके बाद के कालों
मतलब चौथी शताब्दी के बाद के समय में भी इनका रुचि था, लेकिन इनको पता ही नहीं था कि हजारों साल, जब से ये खोज रहे इससे हजारों साल पहले, 2000 साल पहले की एक बड़ी सी सभ्यता थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने चौथी शताब्दी ईस्वी में के बीच उपमहाद्वीप में आए जो चीनी यात्री थे उनसे सारे वृत्तांतों का प्रयोग किया, ठीक है। उसके बाद कनिंगम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रह और प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया, ठीक है। इन सारी चीजों का अनुवाद किया, जो सारी चीजें मिली, अभिलेख का संग्रह किया मतलब इकट्ठा किया, और प्रलेखन तथा अनुवाद मतलब उसको लिखना और उसका अनुवाद करना भी किया। उत्खनन के समय ऐसी वस्तुरा वस्तुओं को खोजने का प्रयास करते थे जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व रखते थे, मतलब वो कल्चरल वैल्यूज रखते थे, मतलब पुरानी घटी हुई घटनाएं थे उसको ज्यादा महत्व रखते थे। इनको आम जिंदगी से कोई उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। हड़प्पा जैसे पूरा स्थल जो चीनी तीर्थयात्री के, मतलब जो चीनी तीर्थयात्री तो बहुत बाद में आए, मौर्य काल के बाद में, महाजनपद के समय में, उस समय में आए, तो उस समय से तो चीनी यात्री को कुछ लेना देना ही नहीं था, तो उनके तो सबूतों में, उनके अन्वेषणों में ऐसा कुछ भी नहीं मिल सकता, ठीक है। जो कनिंघम जो है वो खोज रहे थे वो हड़प्पा जैसे पूरा स्थलों से मैच नहीं करता था, क्योंकि वो तो रिसेंट का सारी चीजें खोज रहे थे, तो हड़प्पा ही पूरा वस्तु 19वीं शताब्दी के में कभी कभी मिलती थी, और इनमें से कुछ जो है कनिंघम तक पहुंची हुई, बहुत सारे छोटे छोटे चीजें मिली। जैसे यहाँ पर आपको पास में दिख जाएगा, मैं स्लाइड नहीं कर रही हूँ, आपको पास में दिख जाएगा कि वो एक कॉइन का चित्र बना हुआ, क्योंकि हो सकता है कि वास्तविक जो है ये जो मोहर है कनिंघम तक पहुंची है, ठीक है। तो मतलब ये वास्तविक रूप में नहीं पहुंच पाई, तो इसका चित्र पहुंचा था, ठीक है। तो यहाँ पर फिर भी वह समझ नहीं पाए पूरा वस्तुएं कितनी प्राचीन है, तब तक भी उनको समझ में नहीं आया ये कॉइन्स को देखने के बाद भी कि ये कितनी ज्यादा प्राचीन हो सकती है। एक अंग्रेज ने कनिंगम के एक हड़प्पाई मुहर दी, उन्हें हड़प्पाई मुहर दी जिसका चित्र था। उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया, उन्होंने उसे एक कालखंड में दिनांकित करने में असफल प्रयास किया, मतलब जैसे जिस कालखंड के बारे में वो खोज रहे थे उसी से उन्होंने को रिलेट करने की कोशिश की, जो कि व्यर्थ था क्योंकि वो तो समय का था ही नहीं, तो इसको समझना जरूरी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह उनका भी यह मानना था कि भारतीय जो इतिहास है उसका आरंभ कब हुआ, तो गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों में, मतलब जैसे महाजनपद का स्थापना हुई और उस समय से ही जो है वो शहरीकरण ये सारी चीजें आरंभ हुई थी, ये सबकी तरह इनका भी मानना था, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे पूरा स्थलों को पहले, अच्छा नहीं इसी को पहले देखते हैं। हाँ तो उनकी सुनिश्चिति अवधारणा के चलते ही कई आश्चर्य की बात नहीं कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, वह हड़प्पा के महत्व को समझने से चूक गए थे। उन्हें पता नहीं था कि इतनी पुरानी सभ्यता भी हो सकती है, इसीलिए शायद वो इस चीजों को समझने से चूक गया, और उन्हें भ्रम हो गया कि जिस समय जो हिस्ट्री की तलाश में है वो हिस्ट्री यहाँ तो कुछ और ही थी, क्योंकि ये क्या हिस्ट्री थी, तो प्राग ऐतिहासिक थी, नहीं प्राग नहीं, आद ऐतिहासिक थी, आध जिसके बारे में आधा हमें पता है, आद ऐतिहासिक थी, ऐतिहासिक समय से वो जोड़ना चाह रहे थे, ऐतिहासिक समय से वो जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन ये तो ऐतिहासिक समय की था ही नहीं, ये किस समय का था, तो आद ऐतिहासिक समय का, जैसे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, तो ये तो आद ऐतिहासिक समय का था, इनको पता ही नहीं था। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे देखने से पहले ये हेडिंग्स को पढ़ लेते हैं हम थोड़ा, ठीक है। हाँ देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, स्लाइड में दिखा रहा है कि हाँ। तो क्या हुआ कि पूरा स्थल टीले तथा स्तर, अब देखिए इसको समझते हैं, तो पुरातात्विक पूरा स्थल जो थी, वस्तुएं थी, संरचनाओं का निर्माण प्रयोग, फिर उन्हें त्याग करके लोग चले जाते थे, और उनके चले जाने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे धूल, मिट्टी, भूखंड, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वहाँ का एकदम रूप ही बदल देता है, वो एक टीले के समान दिखाई देता है। आप एक घर को छोड़ के बहुत समय तक चले जाएंगे तो धीरे धीरे वहाँ धूल मिट्टी इकट्ठा होने लगी, कुछ भूकंप आएंगे, बहुत सालों तक की बात हो रही है, 1000-2000 सालों के बाद की बात हो रही है, तो वहां पर क्या होता है कि वो भूकंप से गिर गया हो, टूट गया हो, उसके थोड़े बहुत अवशेष मिलेंगे और उसके ऊपर से मिट्टियां, धूल, ये सारी जो है वो जम गई हो, तो उसको टीला कहते हैं, ठीक है। तो उसकी संरचना ही बिल्कुल से बदल जाती है जब इतने समय बाद देखते हैं, ठीक है।
और उसके स्वरूप में बदलाव आ जाता है, जैसा हम छोड़ के जाते हैं वैसा वो रहता नहीं है, उसके स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इन टीलों में मिले स्तरों को की प्राप्ति प्राचीन वस्तुओं के आवास का पता चलता है। तभी जब इन टीलों की खुदाई की जाती है या फिर लेयर बाय लेयर हटाया जाता है, अभी लेयर को हम दिखाएंगे आपको, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस तरीके से खुदाई की जाती है। ये स्तर एक दूसरे से ये रंग में, प्रकृति में और इनमें मिली पूरा वस्तु के संदर्भ में भिन्न थे। मतलब हर लेयर एक दूसरे से अलग होगा, क्योंकि जो निचला लेयर होगा वो सबसे पहले का लेयर होगा और जो सबसे ऊंचा वाला लेयर होगा वो सबसे रिसेंट का लेयर होगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। और परित्याग स्तरों पर जिन्हें बंजर स्तर कहा जाता है, वह पहचान की सभी लक्षणों का अभाव से की जाती है, ठीक है। तो जो स्थल जहाँ पर छोड़ के चला गया है लोग, तो वहाँ पर जो सारी अभाव की चीजें थी, मतलब उसका यूज नहीं किया जाता था, वही हमारे लिए सबसे बड़ा सबूत होता था। ये हमने पहले भी पढ़ा कि मान लीजिए कि जो चीज उपयोगी है उसको तो हम पुनः इस्तेमाल कर लेंगे, वो उस समय के लोग थे वो पुनः इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन जो वेस्ट चीजें थी जो किसी काम की नहीं थी, वो मिट्टियों में पड़ी रह जाती थी, कहीं ढक दी जाती थी, इस प्रकार की चीजें होती थी जिसके वजह से वही हमारा सबूत का काम करता था, ठीक है। और इन स्तरों का अध्ययन स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों में मिली पुरा वस्तुओं को विशेष संस्कृति एक कालखंडों से संबंध किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर कैसे कालखंड से संबंध किया जा सकता है, जब भी हम खुदाई करेंगे तो लेयर दर लेयर खुदाई करेंगे, ऐसा नहीं कि सीधे में खुदाई करेंगे। ऐसा क्यों नहीं है कि सीधे में खुदाई क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी आप मान लीजिए किसी जगह पे रह रहे तो कहीं ऊंचा और कहीं नीचा होता है, तो हमें ये ध्यान देना होगा चीजों को मिलाकर कि हाँ मतलब ये सेम समय का है कि सेम समय का नहीं है, और इस तरीके से एक लेयर बाय लेयर हमें खुदाई करनी होती है, तभी हमें सही अंदाजा मिलता है। लेकिन ऐसा स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ होगा, जो पुरातात्विक थे हर कोई बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, परीक्षण करके नहीं आए थे, तो जिन्होंने पहले खोजा बिना सोचे समझे उन्होंने गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। चलिए देखते हैं, एक नवीन प्राचीन सभ्यता, एक नई और प्राचीन सभ्यता के बारे में पता चला हमें नई नई, इसीलिए नवीन, ठीक है। तो देखिए कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशों में, याद रखिए 20वीं सदी के आरंभिक दशों में क्या हुआ था, दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहर खोज निकाली, ठीक है। हड़प्पा में मोहरों को खोज निकाला और निश्चित रूप में यह आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंधित था। तो मतलब यह प्राचीन, ये शुरुआत का इतिहास था नहीं, इन्हें समझ में आ चुका था, लेकिन ये कब का था, तो बहुत प्राचीन था। अब इसके महत्व को समझा जाने लगा, अब यहाँ से शुरुआत हुई इसके वैल्यू को समझने, क्योंकि कनिंगम जो थे वो तो कुछ अलग ही तिकड़म लगा रहे थे कि मतलब किसी काल को किसी काल से जोड़ देना, किसी काल के सबूत को किसी से बिना किसी साइंटिफिक रीजन के वो जोड़ दे रहे थे, जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनको ये पता था कि ये इसे तो मैच नहीं हो रहा भाई, इस समय का तो नहीं लग रहा है लेकिन पुराना लग रहा है, तो हर जगह कोशिश कर रहे थे। स्टार्टिंग में लोग कोशिश ही करते हैं, सफल होना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो दयाराम साहनी जैसे जो पुरातात्विक थे उन्हें मोहरे मिली हड़प्पा से और उन्हें लगा कि ये आरंभिक इतिहास के स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन है, ठीक है। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा था। एक अन्य पुरातात्विद राखाल दास बनर्जी जो थे वो हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरे मोहन जोदड़ो में खोज निकाली, जिनसे अनुमान लगाया जाता है कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विद संस्कृति के भाग है। तब पता चला कि ये एक ही संस्कृति के भाग है। तो इस खोज के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल मार्शल, जो डायरेक्टर जनरल मार्शल होते हैं वो पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी के नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा करते हैं, ठीक है। तो अब ये एकदम सीरियसली एक अभियान सा बन गया। जॉन मार्शल जो डायरेक्टर थे उनके आने के बाद ये बिल्कुल से अभियान सा बन गया कि अब इसकी खोज करनी होगी और बहुत गहरे रूप में करनी होगी। हो सकता है जैसे मिस्र में सभ्यता निकली, नील नदी की सभ्यता निकली, वो डिकोड हो चुकी थी, तो हो सकता है कि यहाँ का भी डिकोड हो जाए, तो वो खोजना चाह रहे थे कि क्या उन दोनों से ये रिलेटेड है। जैसे जैसे कि AS N राव
द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मार्शल को बहुत ज्यादा योगदान मिला, लेकिन आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता को किसने खोजा, हड़प्पा स्थल को किसने खोजा था और मोहनजोदड़ो को किसने खोजा था, ठीक है। इन दोनों के बारे में आप जरूर कमेंट में लिखिए, यहीं से रिलेटेड है जो भी अभी मैंने पढ़ाया उसी से, ओके। मैं कमेंट में जरूर आपका आंसर का रिप्लाई करूंगी कि आप सही है या गलत। मार्शल ने भारत में भारत को जहां पाया था उसे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया, अभी मैंने कहा कि मेसोपोटामिया के पूरा स्थल के जब उत्खनन हुआ तो इसी प्रकार के हड़प्पा पूरा स्थल के जो मोहरे थी वैसी मोहरे वहां भी पाई गई। तो ऐसा हो सकता है संभव कि ये उस समय से रिलेटेड हो और ऐसी ही सभ्यता यहाँ पर भी हड़प्पा सभ्यता के रूप में हो, पर तब तक पहचानी ना जा सकी मोहरे मिली थी। अब इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली पर यहाँ भी मेसोपोटामिया के समकालीन थी ये भी पता चला। सिर्फ यही नहीं पता चला कि पहले कोई शहरीकरण हुआ करता था, कोई सभ्यता थी वो भी बहुत बड़ी, ये भी पता चला कि मिस्र के साथ भी उसका संबंध था। चीजें अपने आप में इंटरलिंक होती चली गई। देखिए आज का वीडियो जो होगा थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा आपको सहना होगा पूरा चैप्टर समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि अब मैं पार्ट नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा पार्ट हो गए हैं और समय भी बहुत टाइम बाद मैंने अपलोड किया कि क्योंकि जब मैं नया नया रिकॉर्ड कर रही हूँ ना तो मतलब लाइक थोड़ा सा कहीं भी अटक जाती हूँ, मुझे कभी माइक सपोर्ट नहीं करता है या फिर कभी कुछ हो जाता है ऐसा, तो वो मुझे सीखते रहना पड़ रहा है। अभी तो लाइव क्लासेस भी आएंगी जो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगी, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस आंसर्स कर सकते हो तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, लाइव का कुछ अलग ही बात है। आई होप मैं जल्दी स्टार्ट कर पाऊँ वे। या चलिए बैक टू पढ़ाई, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व के लिए व्यापक था। तो जॉन मार्शल का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसकी खोज में। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। तो पहले वो पुरातत्वविद पेशेवर मतलब प्रोफेशनल थे, पढ़ लिख कर डिग्री लेकर बकायदा वो आए थे और उन्हें पता था कि कैसे चीजों की खुदाई करनी है, कैसे किसी चीज को कितना पुराना है कैसे पता लगाया, जैसे सारी चीजें, ये मतलब जो प्रोफेशनल होते हैं उनकी बात ही कुछ और होती है। वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव लाए थे। तो यूनान तथा क्रीट में से जो उन्होंने काम किया था वो एक्सपीरियंस वो यहाँ पर लेकर आए। यूनान क्रीट के अंदर ही है, मतलब यूनान के अंदर क्रीट है। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों के दिलचस्पी थी, लेकिन इनका सिर्फ यही दिलचस्पी नहीं था कि पुराना कितना है कौन सी स्थल है, इनका यह भी उत्सुकता थी कि दैनिक जीवन में तो उस समय के लोग किस प्रकार रहते होंगे, क्या कैसी चीजें इस्तेमाल करते होंगे, क्या उनकी रोजमर्रा की जिंदगी होगी, ये चीज जानने का इनको मार्शल को जो था वो बहुत ही ज्यादा उत्सुकता थी। चलिए आगे नेक्स्ट पेज में फाइनली अब हम लोग पहुंच रहे हैं और जल्दी से चैप्टर को खत्म करने की कोशिश भी रहेगी। मार्शल पूरा स्थल के स्तर विन्य को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले के समान परिमाण वाली नियमित क्षति मार्शल पूरा स्तर का जो विन्यास की पूरी जो चीजें थी उसको अनदेखा करके पूरे टीले को समान परिमाण, मतलब मैंने कहा ना स्ट्रेट लाइन में नहीं खोजी जाती हैं चीजें, तो इन्होंने क्या कहा स्ट्रेट लाइन में खुदाई की और सारी चीजों को एक साथ रख दिया। जब उत्खनन करेंगे और सारी चीजों को एक साथ रखेंगे और इन लोगों के बीच में कनेक्शन फील नहीं करेंगे कि कौन कौन से लेयर से डिनोट करता है, ये इस समय का है कि नहीं, हो सकता है उस समय ऊंचा जो स्थल है वो ऐसे ऊंचा होगा तो हो सकता है इस समय का जो चीज है वो इस लेयर में मिलेगा, तो हमें ये भी तो मैच करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबद्ध होने पर भी एक इकाई विशेष प्राप्त सभी वस्तु पूरा वस्तुएं सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया गया। तो सभी को एक साथ ही रख दिया गया और एक समूह में रख दिया गया और परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो गई, क्योंकि एक बार खुदाई हो गई तो अब हम जान नहीं सकते हैं कि कौन किस समय से मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कहानी थी, पढ़े लिखे होने के बाद भी एक्सपीरियंस होने के बाद भी इतनी बड़ी उन्होंने गलतियां कर दी। इसके अलावा
नई तकनीकों तथा प्रश्न, तो नई तकनीकें और इसके साथ प्रश्न भी आते हैं। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने कौन? विलम व्हीलर। व्हीलर की समस्या, व्हीलर ने समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय, मतलब स्ट्रेट लाइन में खुदाई करने की जगह हमें तिरछी लाइन में खुदाई करके चीजों को निकालना होगा, ठीक है। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में भी उन्होंने पुरातात्विदों की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया। तो मतलब वो पहले ब्रिगेडियर रह चुके थे सेना में, एक सैनिक हुआ करते थे, उसके बाद उन्होंने अपना जो योगदान है इसमें दिया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाएं आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत अलग थी। अभी जब पाकिस्तान और इंडिया दो भागों में बट गया है, भारत दो भागों में बट गया है, तो पाकिस्तान की जगहों पर, क्षेत्रों पर उतना खुदाई या फिर कुछ जो प्रमुख स्थल थे तो वो तो पाकिस्तान में ही रह गए। तो जो भारतीय पुरातत्वविद है, जो भारत के आर्कोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या किया कि भारत में ही खुदाई आरंभ की, उन्हीं पर पुरा स्थलों के बारे में खोजना और उन्हें चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षण, हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई, और बहुत सारी हड़प्पाई बस्तियां जो है प्रकाश में आई, जिन्हें माना जाता था कि वो छोटी जगह है, वो बहुत बड़ी जगह के रूप में सामने आई खुदाई के बाद। पंजाब हरियाणा में किए गए अन्वेषण से हड़प्पा स्थलों की इस सूची में कई नाम जुड़ गए, तो और भी सारे नए नए नाम जुड़ गए। हालांकि कलीमंगा, तो लोथल और राखीगढ़ी और हाल ही में हुई धौलावीरा की खोज, जो वहां हुए अन्वेषण के उत्खनन, इन्हीं प्रयासों का हिस्सा था। तो ये सारे जो खोज हुए वो इन्हीं प्रयासों का हिस्सा था कि पाकिस्तान में तो चीजें नहीं हो सकती, चलो अपने भारत में ही खोजा जाए, क्योंकि ये इससे संबंधित है। तो बहुत सारे नए नए स्तर सामने देखने मिले। इसके अलावा इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण आए। अब प्रश्नों की बारी। नई तकनीक तो हमने देख लिया कि स्ट्रेट लाइन में खुदाई नहीं करनी है, ठीक है। और इसके अलावा क्या हुआ, तो हमारे भारत में ही खुदाई आरंभ हो गई। जो भारतीय पुरातत्वविद थे, आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने यहीं पर खोजना आरंभ कर दिया। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए। प्रश्न कैसा था कि यह कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर संस्कृति एक उपकरण का पता लगाने के इच्छुक रहते थे, तो मतलब संस्कृति कल्चर कैसा था इसका पता लगाने की कोशिश करते थे। वहीं कुछ विशेष पुरास्थलीय भौगोलिक स्थितियों के पीछे निहित थे, मतलब कहाँ तक सीमा फैली हुई है, कहाँ तक, मतलब मान लीजिए कि स्थल है, तो जैसे धौलावीरा है वो कितनी दूर में फैला हुआ है, लोथल जो है वो क्या है, बंदरगाह है, तो कितनी दूर तक फैला हुआ, इस तरीके की चीजें थी। तो कोई सीमा पर जा रहा था, कोई सांस्कृतिक ये पर जा रहा था, उनको वो चीज में इंटरेस्ट ज्यादा था, सब अपने इंटरेस्ट का बात है। तो वे पुरावस्तुओं की रूपी निधि से भी जूझते थे, और उनकी स्वाभावित उपयोगिता को समझने से भी, मतलब रूप भी देखना है कि एक धौलावीरा किस रूप में फैला हुआ है और उसकी जो उपयोगी चीजें हैं तो वो क्या इस्तेमाल करते होंगे उन चीजों को। अगर कोई चीज मिल रहा है तो उसके बारे में जानना होगा ना कि वो क्या इस्तेमाल हो रहा होगा, तो ये सारी चीजें जानने में लग जाता था। उसके बाद 1980 के दशक में हड़प्पाई पुरातत्वविदों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय लोग थे, जो बाहर के लोग थे, वो जाते थे तो अपनी खुदाई उदाई करते थे हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों स्थलों पर। उपमहाद्वीप के विशेष विशेषज्ञ संयुक्त रूप से, मतलब उपमहाद्वीप मतलब जो देश के लोग है वो लोग, और जो बाहर के लोग है विदेशी लोग है वो लोग, दोनों यहाँ खुदाई करते थे। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर अब खुदाई के वक्त क्या होता है, तो आधुनिक चीजों का इस्तेमाल हो जाता है, जिसे जैसे एक रेडियो कार्बन पद्धति है, तो जिसे तुरंत पता चल जाता है कि कैसे किसी चीज का जो उम्र है वो कितना है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर ये अपनी चीजों का पता लगाते थे कि हाँ ये कितनी पुरानी है। धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह के अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्यों का हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण संबंधित था। मतलब हर एक चीज जो मिला है उसका विश्लेषण हुआ है, जो हमने पहले चैप्टर में स्टार्टिंग में ही देख लिया था। वहां एक पृष्ठ का मिला है, या क्या बोलते हल चलाने वाले जो हल का मिला है, इसके बाद बहुत सारे मातृ मूर्ति यहाँ पर आगे जाके हमें देखने मिलेगा, ये जो मातृमूर्ति है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो मिली सबका विश्लेषण भी बहुत अच्छे से किया गया है। अब हमारा देखते हैं, जो हमें ये आशा दिलाती है कि भविष्य में हमें और भी रोचक बातें जानने मिलेगी, इतिहास में और भी पन्ने जुड़ेंगे और इन चीजों के बारे में हम जानेंगे, जो स्टूडेंट के लिए थोड़े कष्टदायक है वो बात हम मान सकते हैं। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या, तो अतीतों को जोड़कर पूरा करना होगा, तो इसकी क्या समस्या है वो देखते हैं। चीजें मिल जाने से, पुरातात्विक साक्ष्य मिल जाने से कुछ साबित नहीं होता है, उसे बहुत सारी चीजों से लिंक करना पड़ता है, या फिर बहुत बार क्या होता है कि हम अपनी जो अभी वर्तमान काल है उससे लिंक करते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि हड़प्पाई लिपियों का तो कोई फायदा नहीं हुआ, उससे कोई मदद ही नहीं मिली, क्योंकि हड़प्पाई लिपि जो थी वो हम पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो इस वजह से उसका तो कोई लाभ नहीं हुआ। और जो हमें मिला
उसको भी बहुत तरीके से आपने देखा कि बहुत मुसीबतों का सामना करके पुरातात्विक जो थे वो किसी चीज को इकट्ठा कर पा रहे थे उस समय की। बल्कि ये भौतिक साक्ष्य जो हमें भौतिक रूप में साक्ष्य मिले हैं, जो खुदाई करके मिले हैं, वो जो थे वो सबूत का काम कर रहे थे, और हड़प्पाई जीवन के ठीक प्रकार के पुनर्निर्मित करने में सहायता होती है, जिससे हम उसे पुनः निर्माण करने में मतलब उन सबूतों का यूज करके हम हड़प्पा कैसी थी उसका पुनः निर्माण कर सकते हैं। वैसे तो कपड़ा है, चमड़ा है, लकड़ी है, ये सब चीजें क्या सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, खासकर उष्ण कटिबंध वाले जगहों पे जहाँ पे गर्मी थोड़ी ज्यादा है, वहां पर ये सारी चीजें ज्यादा दिन तक अपने अस्तित्व में नहीं रह सकती। तो अगर छूटी भी होंगी तो हमें तो मिलने से रहा वो। तो ये वस्तुएं जो मृद भांड है, औजार है, आभूषण है, घरेलू सामान हो सकती है, इसका मतलब अंदाजा लगाया जाता है कि मिट्टी की बर्तन है तो वो घर में इस्तेमाल करने के काम आएगी, बहुत अधिक मात्रा में भी मिली, औजार मिले हैं, आभूषण मिले हैं। तो ये आभूषण कैसे, जैसे मन के हैं, तो मन के हमें ये लगता है कि अभी आजकल जो आज हम जो जैसे यूज करते हैं मोतियों वगैरह किसी, तो हमें भी वही लगता है कि लाइक उस समय वैसे ही इस्तेमाल किया जाता होगा। तो हम आज से को रिलेट करके चलते हैं चीजों को। जो वस्तुएं बच गई थी उनके लिए कचड़ा थी, वही हमारे लिए सबूत बनी, ये मैंने बहुत बार कहा है। यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी फूटी और अनुपयोगी जो वस्तुएं थी वही हमारे काम में आ पाई है, वही हमारे सबूत के रूप में हमारे पास आ गई है, पूरा वस्तु के रूप में। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तु अक्षत अवस्था में मिलती है तो वे अतीत में खो गई थी। तो जो चीजें सही रूप में थी वो तो खो गई, क्योंकि इतने सालों बाद अगर कोई ठीक चीज भी मिलेगी तो वो टूटी फूटी मिलेगी, जो हमें लगेगी कि वो वेस्ट है। फिर संचयन के पश्चात दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, कुछ भी कर लिया जाए जिसे हम खो दिए उसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अन्य शब्दों में कुछ खो जो प्रारूपिक की बजाय संयोगिक होते हैं। तो बहुत लोग होते हैं कि मतलब लाइक संयोग से चीजें हो गई तो हो गई, मिल गई तो मिल गई, ठीक है, और लिंक भी हो जाती है बहुत बार। खोजों का वर्गीकरण, चलिए खोज जो होते थे उस किस तरीके से होते थे, किस तरीके से कहानी गढ़ी जाती थी, जो हमें पूरा वस्तुएं मिलती थी उसकी कहानी किस प्रकार गढ़ी जाती थी, ये हम देखते हैं, ठीक है। पूरा वस्तु के पुनः प्रति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातात्विक अपनी खोज करते हैं तो उसके बाद उसे वर्गीकृत करते हैं। जैसे मैंने कहा कि सामान मिल जाने से नहीं होगा, उसे वर्गीकृत करना पड़ेगा। पहले तो कौन किस काल का है उसमें डिवीजन करना पड़ेगा, उसके बाद क्या होता है कि यह किस काम में आता होगा ये भी सोचना पड़ता है। दूसरा कहा गया, जैसे पत्थर है, मिट्टी है, धातु, अस्थि, धाती के दाद जो होते हैं वो संबंध में होते हैं। सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थ, मतलब एकदम जो ये सब चीज जो होता है वो सड़ने गलने वाला चीज नहीं है, तो ये प्रयुक्त पदार्थ होते हैं जिसका संबंध हम खोज सकते हैं। दूसरा जो है अधिक जटिल उपयोगी आधार पर होता है, ठीक है, जो अधिक जटिल होता है। जैसे पुरातात्विदों ने यह तय किया कि उदाहरण में कोई कोई पूरा वस्तु एक औजार या एक आभूषण या फिर दोनों अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु। देखिए यहाँ पर क्या जटिल हो जाता है कि उपयोगिता के आधार पर, मतलब जो आज हम उपयोग कर रहे हैं उसके आधार पर हम बोलते हैं। जैसे सिलबट्टा हुआ तो आज हम लोग मसाले पीसने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये मसाले पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से उन्हें तय करना पड़ता है। और पूरा वस्तु एक औजार आभूषण जो है वो अनुष्ठानिक प्रयोगों कि कोई वस्तु है, मतलब किसी पूजा पाठ में लगने वाली वस्तु है या किस प्रकार की वस्तु है वो सोचना पड़ता है। किसी पूरा वस्तु की उपयोगी को समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं को उनकी ये समानता आधारित मन के चक्कियां, और जैसे मैंने कहा ना आधुनिक चीजों से रिलेट करके करके सारी चीजें होती है, तभी उनका मतलब स्पष्ट होता है। हो सकता है कि वो लोग किसी और चीज में उसका उपयोग करते हो, सिलवट्टा किसी और चीज के लिए हो, लेकिन हम अपनी चीजों से ही एक्सपीरियंस से रिलेट करके देखेंगे चीजों को, ठीक है। जैसे हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वैसे हमारी अवधारणा होती है, जिसमें वह मिली कहा गया पुरातात्व और एक अनुमान लगाते हैं कि जहां वो चीजें मिली हैं उस हिसाब से भी वो सोचते हैं कि इसका उपयोग इस चीज में लगता होगा। जैसे कब्र में मिली हुई चीजें होती होगी, सावधान में साथ में दबाई हुई चीजें, अगर नालों में कोई चीज मिल रही है तो नालों के लिए इस्तेमाल हुई होंगी या वेस्ट होंगी ये पता लगाया जाता है। घर से मिली हुई चीजें रोजमर्रा की होंगी ये पता लगाया जाता है। इस प्रकार के अन्य अन्य तरीकों से पता लगाया जाता है और इतिहास को गढ़ने की कोशिश की जाती है। कभी कभी पुरातात्विद को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा भी लेना पड़ता है, जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उसे लिंक करके चलना पड़ता है। देखिए जैसे कपास के टुकड़े तो मिले हैं, जो कपास के टुकड़े हैं वो मिले हैं, लेकिन पहनावे के विषय में ये जब हम देखते हैं कि जो हमें मूर्तियां मिली हैं वो किस प्रकार के कपड़े पहने, उससे हम लोग लिंक करके चलते हैं कि अच्छा इस तरीके की कपड़े उस समय इस्तेमाल किए जाते होंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये किस चीज की मूर्ति है, तो वही मैंने कहा था मातृ देवी की मूर्ति है। मातृ देवी की मूर्ति में हम देख रहे हैं कि इसे अंदाजा इसलिए लगाया गया क्योंकि एक देवी की समान दिख रही है। जो चीज समझ में नहीं आती कि किस चीज से रिलेट करती है तो उसे मतलब
धार्मिक प्रथाओं के रूप में, धार्मिक चीजों के रूप में जोड़ दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं। पुरातात्विक जो थे वो रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता था, उन्हें चीजों को विकसित करना पड़ता था। पहले प्राप्त हड़प्पाई मोहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातात्विक उसे समझने के संदर्भ नहीं मिला, क्योंकि अगर आपको कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं मिला, कोई संदर्भ नहीं मिल रहा है, तो चीज को मिलने से कोई फायदा है ही नहीं। उसके बैकग्राउंड अगर थोड़ा सा भी नहीं पता होगा, कुछ अंदाजा नहीं होगा, तो फिर वो चीज आपके लिए व्यर्थ है। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वहां मिली थी और तथा मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना में दोनों में संबंध जब मिला, तभी हमने सोचा कि नहीं, हड़प्पा सभ्य मतलब कोई ऐसी सभ्यता हो सकती है जो मेसोपोटामिया के साथ की होगी। क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया में सेम तरीके के कॉइन मिले थे, अभी जस्ट हमने पढ़ा। ठीक है, व्याख्याओं की समस्या। अब इसमें समस्या क्या आ रही थी, जो कहानी गढ़ा जा रहा था उसमें समस्या क्या आ रही थी, या इतिहास जो लिखा जा रहा था, हड़प्पा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा था, ये कैसे आखिर होगा? तो पुरातात्विक व्याख्याओं के समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों के में सामने आती है। तो ज्यादा से ज्यादा जो चीजें मिली है, हम ये सोचते हैं कि वो धार्मिक रूप से उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं जो पुरातात्विक होते हैं। ठीक है, आरंभिक पुरातात्विदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी वह धार्मिक महत्व होती होंगी। तो जो अपरिचित है वो धार्मिक महत्व के रूप में, जैसे ये जो मूर्ति है वो आभूषणों से लदी हुई नारी की मूर्ति है जिसे मातृ देवी के रूप दिया गया है। पुरुषों के दुर्लभ पत्थर से बनी हुई मूर्तियां, जिनमें पुरुषों की भी बहुत सारी मूर्तियां पाई गई हैं, जैसे पुरोहित राज जो ऐसे प्रिस्ट एक होते थे जो कमर पहन के, जो पहले भी हमने देखा है, उस तरीके की मूर्तियां जब पाई जाती है तो इन्हें या तो पुरोहित माना जाता है, या तो कोई राजा होंगे, या किसी बड़े ऊंचे औहदे पर होंगे। ठीक है, मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखा बैठा हुआ दिखाई दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर मानकीकृत जब मुद्रा देखते हैं तो वहां पर एक हाथ बैठा दिखाई देने वाला भी है, जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक आपको जैसे इन्हें माना जाता है कि भगवान ही होंगे, इन्हें पशुपति कहा जाता है या आदि शिव के नाम से जाना जाता है, जो हम यहाँ देखेंगे। अन्य अन्य कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण थे और मान्यता के अनुसार पूजा संकेत देते हैं, मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, इनके साथ जानवरों को भी उद्कृत किया गया है, इसीलिए आमतौर पर ये इसमें क्या क्या है, तो एक श्रृंग वाला मतलब लाइक यूनिकॉर्न कल्पित था, मतलब कल्पना वाला था, ऐसा रियल में कैसे कोई भी जानवर नहीं पाया गया, यूनिकॉर्न वाला वो दिमाग में ही है तो यहाँ पर, लेकिन है तो शायद उसका अस्तित्व हमें भी नहीं मिला, हो सकता है वो होगा। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिससे पालथी मारकर योगी बैठे हुए हैं, मुद्रा योग में बैठे हुए हैं, पलथी मारकर, यहाँ जब हम इस कॉइन को देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये कुछ योगी टाइप के हैं, तो कुछ भगवान भी हो सकते हैं इस तरीके का। कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया है, तो आदि शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं के रूप आरंभिक रूप के में संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके अतिरिक्त पत्थर में शंकवार वस्तुएं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो जो हम लोग शिवलिंग वगैरह देखते हैं तो कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता से ही इसकी पूजन होती थी, तो इस तरीके के शेप के पत्थर पाए गए जिसे अंदाजा लगाया है अलग अलग तरीके से, जरूरी नहीं वो लिंग ही हो, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। इसके अलावा हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान का आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक के बाद परंपराओं की सामान्यता होती थी। ये ऐसे इसलिए होता था क्योंकि अधिकांशतः पुरातात्विक ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते थे। जो पुरातात्विक होते थे वो क्या करते थे, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, आज जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते हैं, मतलब हड़प्पा सभ्यता की तरफ जाते थे, तो वो आज से ही रिलेट करते थे। जैसे चकिया, मैंने बताया ये पहले भी, चकिया तथा पात्र के संबंध में युक्ति संगत हो सकता है। ठीक है, तो पात्रों के संबंध में कुछ युक्ति संगत होता है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में अधिक संदिग्ध रहती है। तो चकिया जो है और पात्र हैं, उनकी युक्ति यही रहती है कि आज जैसे हम चकियों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे उस समय भी करते होंगे पीसने के लिए, हो सकता है वो किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करते हो। ठीक है, उदाहरण के लिए आइए हम आदि शिव के मोहरों को देखते हैं। तो सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद की बात करें तो ये तो जाना हुआ चीज था ना, उनसे को रिलेट करे तो इसमें रुद्रक नामक एक देवता उल्लेखित मिलता है, जो बाद में पौराणिक शिव के लिए प्रयुक्त हो जाता है, जिन्हें शिव के लिए प्रयुक्त माना जाता है। पहली शताब्दी ईस्वी में अध्याय 4 में भी देखिए, तो ये 4 में जब हम जाएंगे तब देखेंगे। लेकिन शिव की विपरीत रुद्र, जो शिव के अपोजिट रुद्र हैं, वो ऋग्वेद में ना तो पशुपति है, ना उनके पास पशु है, जानवर है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, और ना ही एक योगी है, वो रुद्र जो है वो योगी भी नहीं है, तो ये शायद इससे संबंधित नहीं होता है। फिर क्या यह कोई समन था जैसे कि कुछ विद्वानों ने सुझाया, तो क्या ये जो है वो कुछ समन है, क्योंकि लाइक
रुद्र से तो ये मैच नहीं करता, जिससे कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे थे, जिनके बारे में वो जानते थे उसे रिलेट करने की कोशिश कर रहे, लेकिन किसी भी व्यंग में ये स्थापित नहीं हो पाया। तो ऐसा कहा गया कि कोई ये समन था। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं, तो ये जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर थोड़े पूछे गए हैं। आई नो कि आज थोड़ा बोरिंग है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम है, एनर्जी भी नहीं आ रही है मुझे पढ़ाने में, बट आई हैव टू डू दिस। तो इतने इतने दशकों में हुए पुरातात्विक कार्यों का क्या उपलब्धि थी, और इतने सालों से जब खुदाई हो रही है, आज भी इवन खुदाई चली ही रही है, तो इसका क्या उपलब्धियां हैं, क्या मिला है? तो अर्थव्यवस्था के बारे में हम हमारी जानकारियों को कुछ बेहतर कर सके हैं कि कैसे बिजनेस होता था, या फिर कैसे कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाता था, विभिन्न गुत्थियों को सुलझाने में सफल हो पाए हैं, सभ्यता के कार्य प्रणाली के विषय में हमारी जानकारी कुछ बढ़ी है। ठीक है, सच में यह स्पष्ट नहीं है कि लिपि के पढ़े जाने की स्थिति हम कितना जान पाए हैं, तो लिपियों के बारे में हम कितना जान पाए, अब तो क्यों नहीं डिकोड हो पाए, क्योंकि ये द्विभाषिक अभिलेख ही नहीं था, यहाँ पर द्विभाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है कि हड़प्पा के निवासी क्या बोलते थे इसके बारे में पता लगाया जा सके। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, कोई कई पूर्ण निर्माण भी संदिग्ध बने हुए हैं। क्या विशाल स्नानगार एक अनुष्ठानिक संरचना थी, जो हमने विशाल स्नानगार के बारे में ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ा था, तो क्या सही में ये पूजा के वक्त ही इसका इस्तेमाल किया जाता था? साक्षरता इतनी व्यापक थी, क्या सब पढ़े लिखे होते थे? और कब्रिस्तानों में सामाजिक विभिन्नताएं कम क्यों दिखाई देती हैं? तो सामाजिक विभिन्नताएं उतनी ज्यादा नहीं थी, तो हमने पढ़ा ही था सामाजिक विभिन्नताओं के बारे में कि लाइक जब कब्र में उन्हें ये दफनाया जाता था, तो उनके साथ बहुत सारी चीजें दी जाती थी, तो कहीं पर बहुत बहुमूल्य चीज पाई गई है, कहीं पर उनके ही जो जरूरत की चीजें थी बस वही पाई गई है। तो ऐसा देखा गया कि कुछ ज्यादा यहाँ पर नहीं था जैसे मिस्र की सभ्यता में था। क्या महिलाएं भी मृदभांड बनाती थी, मिट्टी के बर्तन जो थी वो महिलाएं भी बनाती थी, और उन्हें रंगने का कार्य करती थी, या फिर केवल सिर्फ रंगने का कार्य करती थी? तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी भी हमारे दिमाग में हैं, और ऐसा कुछ खास नहीं है यहाँ पढ़ने को। और ये जो पत्थर हम देख रहे हैं, ये पत्थर जो है वो बहुत बार ये कहा गया कि पासे की तरह इस्तेमाल किया जाता होगा, ये जो चौका देखा जा रहा है यहाँ पर खेला, जैसे हम लोग शतरंज खेलते हैं, तो शायद उसके लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। और बहुतों का कहना है कि ये अनुमान लगाना है कि ये शिवलिंग का भी प्रतीक हो सकता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, या फिर बहुत ये खास जो मणि होती थी, जैस्पर, चौल चौल सेंडी, तो ये इस तरीके की जो हमने पहले भी पढ़ा था इसके बारे में, पत्थरों के बारे में, तो ये सारे पत्थर हो सकते हैं। और दूसरी तरफ यह संभव है कि इसका प्रयोग खेले पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों के रूप में किया जाता होगा। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो अर्नेस्ट मैके अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 से उद्धृत है। तो आज हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म हो रहा है, और इसके बाद जो वो काल रेखा के बारे में वो मैं शॉर्ट्स में समझाऊंगी। चैप्टर को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज पाने के लिए, और आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन स्पेस, जहाँ पर मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो मिलते हैं वीडियो के साथ, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करें। धन्यवाद।